आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आप अपने CSS का जो भी प्रॉपर्टीज है उसको HTML फाइल के अंदर कैसे लिखेंगे, या तो उसको एक्सटर्नली कैसे कनेक्ट करेंगे एंड उसका कितने वे से उसको कनेक्ट करने के लिए। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप वेब डेवलपमेंट का कोई कोर्स ढूंढ रहे, तो यहाँ पे पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स मैंने बना के रखा है एंड सारा का सारा टैग्स एट्रीब्यूट सब कुछ मैंने बताया है। तो आप इसको विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सो दैट आपको डेली अपडेट कोडिंग के ऊपर मिलता रहे। ओके, तो चलिए अभी बात करते हैं हमारा CSS ट्यूटोरियल 2 के बारे में, जिसमें कि आपको पता चलेगा कैसे हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहला ट्रिक है जो कि एक स्टाइल टैग यूज करके, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टाइल टैग एंड इसके अंदर मैं अपना प्रॉपर्टीज लिखूँ, तब जाके मैं CSS का यूज कर सकता हूँ। अगर आपको मतलब एग्जाम्पल देखना है तो यहाँ पे मैं एक H1 टैग लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैंने अपना नाम लिखा। हमेशा CSS को अगर आपको समझना है तो ID एंड क्लासेस को सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक ID देता हूँ या तो क्लासेस देता हूँ, इसको मैं पहला एक क्लास दे देता हूँ, ये हेडिंग है तो मैं इसको लिखता हूँ हेडिंग। तो मैंने इसको एक क्लास दिया हेडिंग का क्लास। ओके, तो इस ये वाला जो हेडिंग है इसको अगर मुझे कुछ करना है, मतलब अगर मैं इसको अभी ओपन विथ लाइव सर्वर करूँ, तो ये फिलहाल के लिए मुझे ब्लैक कलर में दिख रहा है, बट मुझे ब्लैक कलर में देखना नहीं है। तो मैं इसको कैसे चेंज करूँ, वो जो पावर मुझे कौन देगा, वो पावर मुझे CSS देगा। तो उस चीज को हम अगर करना चाहते हैं तो हमें CSS अप्लाई करना पड़ता है। तो वो CSS को पता कैसे लगेगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है जो कि हमको डिफाइन करना पड़ता है। तो उसको या तो हम इनलाइन में डिफाइन कर सकते हैं, या तो स्टाइल टैग में, या तो उसको सेपरेटली डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टाइल टैग में कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो मैंने इसको हेडिंग दिया है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे क्लासेस को। अगर आपको उसमें डाउट है तो ये वाला वीडियो मस्ट आपको देखना पड़ेगा, ID एंड क्लासेस के ऊपर है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट एंड उसके बाद हेडिंग, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्लास का नाम हेडिंग है। इसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगा, मुझे अभी कलर चेंज करना है तो मैं सिंपली लिखूंगा कलर। अब मैं इसको रेड देता हूँ एंड अब जब मैं अपने वेबसाइट पे जाके देखूं तो अभी इसका कलर रेड हो चुका है, ऑलरेडी कलर रेड हो चुका है। सो सिमिलरली हम अगर कोई भी प्रॉपर्टी स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन करते हैं, देन हम उसको बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं इसका फॉन्ट चेंज करना चाहूँ, जैसे कि फॉन्ट फैमिली, मैं अगर इसको कुछ गिल सैंस दे दूँ, तो अभी आपको दिखेगा अभी ये जो फॉन्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। सिमिलरली इसके नीचे नीचे हम फॉन्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ और एक H2 लूँ या H3 लूँ या कुछ भी लूँ, जैसे कि मुझे अभी पैराग्राफ लिखना है एंड मैं इसको लोरेम 100 मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे क्या अभी मेरा बहुत बड़ा पैराग्राफ आ गया, मुझे इसने ऑटो जनरेट करके दे दिया। अगर लोरेम पता नहीं है आपको तो आप मेरे वीडियो को एक्सेस करके देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। अभी जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्लासेस को हम चाहे तो मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, अगर अभी मैं आपको दिखाऊं ये कुछ इस तरह से है। ओके, अभी मैंने पैराग्राफ को कुछ भी स्टाइलिंग नहीं दिया है, बस मैं क्या कर रहा हूँ इसी को कॉपी किया मैंने एंड लाके पैराग्राफ में डाल दिया, और मैंने उसको प्रॉपर्टीज नहीं डिफाइन किया एंड इसका भी प्रॉपर्टी अभी चेंज हो गया, ये भी रेड कलर हो गया, लेकिन इसको मैंने डिफाइन नहीं किया कहीं पे भी। तो ये होता है क्लासेस का यूज करना, एक बार हमने डिफाइन किया बट उसको हम मल्टीपल जगह में यूज कर रहे हैं। ओके, सो क्लासेस को यही फायदे के लिए हम ज्यादातर क्लासेस यूज करते हैं, ID को रेयर केसेस में यूज करते हैं, जब हमको इंडिविजुअली किसी एक चीज को टारगेट करना है तभी हम यूज करते हैं। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे तब हम IDs का बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे, क्योंकि तभी हमको पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम डॉम मैनिपुलेशन कर रहे होंगे तभी। ओके, सो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि क्लासेस IDs क्यों यूज होता है। अभी मैंने क्लास का बता दिया, उसी प्रकार आप ID का आपको होमवर्क करना है एंड कमेंट सेक्शन में किसी ना किसी बच्चे को कमेंट करके ये बताना है जो भी वीडियोस देख रहे हैं कि ID का इसी एग्जांपल में दीजिए या कोई भी एग्जांपल में जैसा मैंने क्लास का यूज किया आपको ID का यूज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करना है। ओके, ये आपका टास्क है एंड इसके नीचे ये जो H1 है, अभी मैंने बताया कि आपने स्टाइल को कैसे डिफाइन किया यहाँ पे, बट अगर यही चीज मुझे
किसी भी पैराग्राफ में करना है, जैसे कि मुझे इनलाइन करना है, अगर मेरा ये जो स्टाइल टैग है इसको मानिए ये नहीं है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर दिया, इसका मतलब अभी ये और एप्लीकेबल नहीं होगा, तब मैं कैसे इसको ऐड करूं। तब आपके पास दो और वे, या तो आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो टैग के अंदर लिखते थे उसको नहीं ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा स्टाइल, उसके बाद इक्वल्स टू, उसके बाद डबल कोट, यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टीज लिखना है, जैसे कि मुझे कलर देना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर, अभी मैं देता हूँ ग्रीन, मैंने इसको ग्रीन कलर दिया पैराग्राफ को। अगर मैं अभी जाऊं एंड यहाँ पे दिखाऊं आपको, अभी आप देख सकते हैं कि ये सब कलर जो है ये भी ग्रीन कलर हो गया है। ओके, सो सिमिलरली हम चाहे तो इस तरह से भी इनलाइन, इस तरह के अगर हम कभी भी स्टाइल यूज करते हैं उसको बोला जाता है इनलाइन स्टाइलिंग। ओके, इस तरह को जब हम यूज करते हैं उसको इनलाइन नहीं बोला जाता, एक्सटर्नल जब बोलते हैं हम, अगर अलग कुछ फाइल से इंपोर्ट कर रहे हैं तब हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं इनलाइन, एंड इसको बोलते हैं इंटरनल। इंटरनल मतलब उसी पेज में लिखा गया है, इनलाइन मतलब उसी लाइन पे लिखा गया है, एक्सटर्नल मतलब बाहर फाइल में कहीं पे है, हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। आपने अभी देख लिया इंटरनल क्या होता है, आपने देख लिया इनलाइन क्या होता है, अभी देखते हैं एक्सटर्नल क्या होता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे और एक टैग लिखता हूँ, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, एक स्ट्रॉन्ग टैग मैंने लिखा, आई एम अ कोडर, हाई आई एम अ कोडर मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, अब मुझे इसको कुछ करना है, बट मैं इसको क्या करूँ कैसे करूँ आपको अभी लग रहा होगा, क्योंकि मैं इनलाइन यूज नहीं करूंगा ना ही ये यूज करूंगा, लेकिन मुझे स्टाइल चेंज करना है, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग हमने एक ही बार ही डिक्लेरेशन किया है। ओके, अभी ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है मुझे इसके साथ कुछ ना कुछ इसका मतलब चेंजेस करना है, क्योंकि फिलहाल के लिए अगर मैं आपको साइड दिखाऊं कुछ इस तरह से वो दिख रहा है। ओके, तो उसको मैं कैसे चेंज करूँ, उसके लिए मुझे एक एक्सटर्नल फाइल बनाना पड़ेगा, उस फाइल का नाम स्टाइल डॉट सी एस एस देंगे तो अच्छा है, आप चाहे तो कुछ भी ऐसा वैसा रख सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड वे में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है आप लिखिए स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, एंड इस स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर सबसे पहले आपका ये काम है, जब फाइल बना लिया ये उसी फोल्डर के अंदर है, आप जिस फोल्डर में काम करें, जैसे कि मैंने Day 30 फोल्डर के अंदर काम कर रहा हूँ, तो ये दोनों के दोनों एक ही जगह पे, अगर आपको देखना है तो मैं दिखा देता हूँ, इंडेक्स डॉट ये जो HTML एंड स्टाइल डॉट सी एस एस वो दोनों एक ही जगह पे है फिलहाल के लिए। ओके, तो इन दोनों को मुझे कनेक्ट भी तो करना है, बिना कनेक्शन के उसको पता कैसे चलेगा, बिना कनेक्शन के उसको पता नहीं चलेगा ना, तो उसको हमको कनेक्ट करना पड़ता है, तो कनेक्ट के लिए आपको लिखना है लिंक, एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन आपको CSS, अगर नहीं आता तो आपको ये पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ओके, एंड ये HREP अगर आपका डायरेक्ट नहीं आता, लिंक REL इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर आपको स्टाइल शीट लिखना है, उसके बाद HREP के अंदर आपको लोकेशन डालना है, जैसे कि ये है स्टाइल डॉट सी एस एस में, तो मैं इसको लिख दिया स्टाइल डॉट सी एस एस, आपको अपना फाइल का नाम यहाँ पे डालना है। जैसा ही आपने डाला उसके बाद ये दोनों फाइल अभी कनेक्टेड हो गए, फिर भी अभी हमको क्या करना है, हमको चेंजेस करना है कुछ, तो इसको हमको क्लास या आईडी तो देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ क्लास, इसको लिखता हूँ लास्ट लाइन, मैंने एक क्लास दे दिया इसको लास्ट लाइन। ओके, एंड इसी क्लास को मैंने कॉपी किया यहाँ से, अब मैं जाता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस पे, ये क्या है, ये एक क्लास है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डॉट से, अब मैंने ये लिखा मतलब वो जो क्लास का नाम था कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, जैसे कि कलर इसका मैं देता हूँ ब्लू। ओके, ये सब प्रॉपर्टीज जो है आप अभी कंफ्यूज मत होइए, जब मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रहूंगा तब मैं बताऊंगा कि कलर कब यूज करना है, फॉन्ट फैमिली क्या होता है, कैसे यूज करना है, सभी को मैं डिटेल्स पे जाऊंगा, अभी खास बस बता रहा हूँ आपको कि ये सब कैसे यूज करना है एंड कहाँ यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी इसका कलर चेंज हो गया, अभी ये ब्लू कलर में आ रहा है। सिमिलरली हम चाहे तो कोई भी टैग, जितना भी अभी तक हमने टैग देखा है आज तक, उन सारा का सारा टैग के ऊपर हम ये सब अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जो भी बच्चा पहले कमेंट पे मुझे देता है, कमेंट करता है, मैंने जो पूछा है इस वीडियो में, उस बच्चे को कुछ ना कुछ स्पेशल एक मिलेगा। ओके, एंड अपना ईमेल आईडी लिख लेना साइड में, जब आप लिख रहे हो उसके साथ में साइड में अपना ईमेल आईडी भी लिख लीजिए। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, अगर वीडियो पसंद लगा देन सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।